अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। माँ
आज इंशाल्लाह रहमान एक बड़े हसास बलवान मौजू ते गुफ्तगू करन दा इरादा और सोच फिक्र है। दूर में बैठे या कि आए नेड़े आ अल्लाह मेहरबान नेड़े आ जाए कोई गल नहीं नेड़े आ ऐसा हसास मौजू है जेड़ा एक मुसलमान के दिल दियां तारां नूं जोड़दा छेड़दा है। ऐसा मौजू जो हर मोमन के जज्बात के नाल जुड़िया हो जज्बात के नाल जुड़िया हो मौजू की है वह मौजू है मुहब्बत रसूल। की मौजू है मुहब्बत रसूल। लेकिन अज ऐसा बयान करना है ज़ियारत मुस्तफा दीदारे मुस्तफा क्योंकि मोहब्बत तो बगैर दीदार हो सकता नहीं। कोई दिल अंदर तमन्ना दीदार की किसी के बारे अपने महबूब के बारे उदो ही पैदा करता है जो मोहब्बत हो बेपनाह मोहब्बत हो। यह अलग बात है कि लोगों ने इस मुहब्बत का मियार जोड़ा है ये अपने अपने फिरके गिरोह जवाब सोच फिक्र के मुताबिक बना लिया। मिसाल के तौर पर अगर तुसा यह अकीदा साना अपनाओगे तुसा आशिक रसूल हो तुसा नबी नाल मुहब्बत करते हो अगर नहीं अपनाओगे तुसा नबी दे गुस्ताख हो। अगर तुसा यह काम करोगे तुसा नबी दे मुनीब हो तुसा आशिक रसूल हो अगर यह नहीं करोगे तुहाडे अंदर मुहब्बत मुहब्बत होगी तुसी ते गुस्ताख हो। नहीं मुहब्बत का मियार ना मैं बना सकना ना कोई गिरोह ना कोई जमात बना सकती है। मुहब्बत का मियार रब का कुरान बयान करेगा और पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी की जात पाक बयान करेगी। इस दुनिया के अंदर बंदा किसी के नाल मुहब्बत मुहब्बत है करना कोई गुनाह नहीं। मुहब्बत कर सकता है इश्क करना गुनाह है मुहब्बत नहीं। मुहब्बत होंगी पाकीज है बंदा मां मुहब्बत करता है अजरे सवाब बाप ना करता है अजरे सवाब बीवी ना करता है अजरे सवाब कर सकता है मुहब्बत कोई मना नहीं। और इसका अज मुहब्बत जी करता है ना इंसान वो करता है हुसन वेख के कमाल वेख के या किसी अंदर टैलेंट ऐसा है उन्हें वेख के करता है किसी की आवाज बड़ी कमाल है उन्हें वेख के करता है यानी यह चीजा वेख के कमाल उसका जमाल उसका टैलेंट देख के उसके साथ मुहब्बत कर रहा है। लेकिन असल मुहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल करनी है आप लही सलाम तो सलाम की जात हो जिदे अंदर कायनात की हर खूबी मौजूद एहसानात देखने ने मेरे पैगंबर से देखो हुसन देखना है मेरे पैगंबर का देखो आवाज देखनी है मेरे पैगंबर की देखो अंदाज देखना है मेरे पैगंबर का देखो तकवा तहारत देखना है मेरे पैगंबर का देखो हर शय मिलेगी हर खूबी मिलेगी ते सारिया खूबियां कायनात दियां अल्लाह ने इकट्ठियां करके मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर की जात के अंदर जमा फरमा दी। यह देखना है कि आया कि असा नबी पाक सल्लम के नाल मुहब्बत करने या नहीं करने आपकी जात वह जात है जिसे अंदर दुनिया की हर खूबी मौजूद है। अगर हुसन देख के मुहब्बत करना चाहते हो ज्यादा हकदार है नबी पाक के नाल मुहब्बत की जाए कमाल देख के मुहब्बत करना चाहते हो मेरे नबी ज्यादा हकदार है उन्होंने नाल मुहब्बत की जाए जवाब देख के मुहब्बत करनी है ज्यादा हकदार है नबी पाक की जात के नाल मुहब्बत की जाए इंसान आप देख के अगर मुहब्बत करनी है नबी पाक ज्यादा हकदार ने कि उन्होंने नाल मुहब्बत की जाए रसूल पाक सल्लम की जात के नाल तमाम मखलूकात तो बढ़ के अपनी आल औलाद वाले बैल हत्ता के अपनी जान के नालों बढ़ के मुहब्बत करना एक मोमन के मुसलमान से फर्ज है। पिछले दो खुतबा से तीन खुत
बाबे जुमा में दसे है ना कि नबी पाक दा उम्मत दे नाल कितना प्यार है ते एक बात बयान की थी कि आपकी जात दे नाल जान तो वध के मोहब्बत क्यों करनी है क्यों करनी उसी बात नु मैं अगे चला लगा इस वास्ते क्योंकि नबी पाक सल्लम अपनी उम्मत दे नाल अपनी जान नालों वध प्यार करदे ने उम्मत दा हक बनदा है उस नबी दे नाल अपनी जान तो बढ़ के मोहब्बत की जाए। एक हदीस सुनो बुखारी और किताबुल ईमान दे अंदर किताबुल ईमान जब किताबुल ईमान का लफ्ज आ गया ना ईमान अंदर हदीस आ गई मतलब है हदीस आ लगी है साडे ईमान दे नाल बड़ा गहरा तल्लुक ईमान दे नाल गहरा तल्लुक सैयदना उम्र फारूक सब कह दो रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लम दे नाल जा रहे ने एंड करके ना हथा दे अंदर हाथ पाए ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਗ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਧੇ ਤੇ ਬਾਜੂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਬੂਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਮਹਬੂਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਸ ਨਹੀਂ ਮਹਬੂਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਬਸ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੇ ਮਹਬੂਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਦੈਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਬਸ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੇ ਮਹਬੂਬ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਬੂਬ ਲਈ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਮਰ ਬਸ ਬਸ ਜੀ ਮਹਬੂਬ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਉਮਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਾ ਯੂਮਿਨ ਅਹਦੁਕੁਮ ਹੱਤਾ ਅਕੂਨਾ ਅਹੱਬਾ ਇਲੈਹੀ ਮਿਨ ਵਾਲਿਦਿਹੀ ਵਾ ਵਲਦਿਹੀ ਵੰਨਾਸੀ ਅਜਮਾਈਨ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਨ ਨਫਸੀ ਹੀ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਮਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੁਮਿਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਨਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਗਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਹਦੀਸ ਸੁਣੀ ਨਾ ਸੋਰੀ ਬੋਲੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਬੂਬ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਨ ਕੀ ਹੈ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸੌ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲ ਆਨਾ ਯਾ ਉਮਰ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੁਣ ਟਿਕਾਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਉਮਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਇਮਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਪੱਕਾ ਸੱਚਾ ਮੂਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮੂਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਹਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਹਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖਤਾਕਾਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਉਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਪੂਰੀ ਖਲਕਤ ਔਰ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਸ ਮਿਆਰ ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਮਿਆਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਖੁਤਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇੱਕ ਤਰਾਜ਼ੂ ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਏ ਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਯਾਨੀ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਬੀ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਔਰ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦੀ ਤਲਬ ਕੀ
और मेरे दिल के अंदर नबी पाक को देखने का चाह है, मेरे दिल के अंदर नबी पाक के मिलन और मुलाकात का दिल अंदर तड़प से मुहब्बत है कि नहीं है, चाहत कि नहीं है, लाइया किसी नभाइया वो मुहबत होगी जिसे लाओ इतने नभाया करो हम नबी के नाम मुहब्बत का दावा तो कर सकते हैं लेकिन दिल अंदर साढ़े तड़प ही ना हो नबी पाक में मिले हम मक्का मदीना है ना एक हर मोहम्मद के दिल अंदर तड़प है कि अल्लाह पाक में उतों की जियारत करा दे अल्लाह पाक नबी का रोजा दिखा दे आया के नबी पाक सल्लम के नाल मुहब्बत है मेरे दिल अंदर अगर तो तड़प है अलहमदुल्ला सुम अलहमदुल्ला तो उस म्यार से पूरा यह जी मुहब्बत नबी पाक के नाल करनी सी जिहड़ा हक बनता सी उहदे ते पूरा है अगर नहीं तो फिर सोच भी तीह चाली पचास सत्तर अस्सी साल की उम्र गुजार ली है इस उम्र के अंदर नबी पाक की दिल के अंदर ज़ियारत की तड़प साढ़े अंदर अगर नहीं आई अपने ईमान की फिक्र कर क्योंकि जिसे मुहब्बत करता है तो उन्होंने मिलन का भी दिल अंदर बड़ा चाह है जिसे मुहब्बत करता है मिलन का भी आ देखे ना अक्सर बजारी बजारी मुंडे मुंडे जड़े ने ना वो फोन पे वट्सअप से जो अनजाना के नाल गल हो जाती है अनजान लोगों के नाल गल हो जाती वो गपशप हो जाती उन्हों का प्यार वाधा जाता है लेकिन एक दूजे को मिले नहीं होंगे लेकिन उन्होंने दिल अंदर तड़प होती है कि वक्त ले लैन मिल लवा भावे अगर दुनिया ही लैन लेकिन मिला जरूर उन्होंने मिला जरूर उन्होंने यह दुनिया की मुहब्बत है लेकिन मैं गल कर रहा पूरी कायनात के इमाम मेरे तुहाडे दिलां दी ठंड करौनक बहार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात पाक दी गल कर रहे हैं आया के इतने सौ साल गुजर गए ने तुहाडी मेरी जिंदगी दे अंदर इन्ने साल गुजर गए ने आया के तुहाडे मेरे दिल अंदर तड़प है ने या नहीं है है ने या नहीं है अगर है तो ठीक है नहीं तो अज के बयान अंदर यह उनवान लैके जाना है हुजूर दी ज़ियारत इंशाल्लाह हो सकती है एक भी है कि नबी पाक सल्लम ने असा हाथ मिलाइए लाइव मुलाकात कर लीए वो शायद साढ़े को इस वक्त हो सकता नहीं क्योंकि नबी पाक दुनिया से चले गए वो सहाबा इकराम मुकाम लै गए उस तो इलावा एक मुकाम मैदाने माशर होने खोखर उत मुलाकात का सबक है और एक मुकाम हो रहे वो असा दुनिया से ज़ियारत कर सकते हाँ अज ही तुम कर सकते हो ज़ियारत करना चाहते हो ना माशा नबी पाक अगर सानू मिलता है ज़ियारत करना चाहते हो ना दीदार करना चाहते हो अज ही हो जाएगा तुसा जुम्मे तो बाद घर जाएगा तो मैं ऐसा हाल दसागा अज ही दीदार नबी पाक का होगा लेकिन तवज्जो तुसा करनी है ना सुनिए रब का कुरान और पूरी कायनात के सरदार इमाम अंबिया मेरे तुहाडे दिलां दी ठंड ते रौनक बहार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी की जात पाक के ऊपर नाज़िल होने वाला अल्लाह का कुरान और मां की आयशा सिद्दीका का बयान मां जी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा की फरमांदियां ने एक आन वाला नबी पाक की खिदमत अंदर आके अर्ज करता है ऐ सोने महबूब जी मेरे तुहाडे नाल मुहब्बत बड़ी है प्यार बड़ा है मैं घर बच्चिया अंदर जाता वा दिन बेचैन जिहा हो जाता मैं फिर मुड़ के तुहाडे कोल आ जाता वा ते तुहाडा दीदार कर लैंदा वा ज़ियारत कर लैंदा वा ते दिल मेरा पहन जाता है लेकिन एक गल मैं बड़ा परेशान करती है ते मैं बड़ा गम सदा रहिंदा ऐ मेरे प्यारे केड़ी गल ने सोने महबूब जी मेरे दिल अंदर कदी कदी ख्याल आंदा है तुहाडी और मेरी मौत का ते मैं फिर सोचता कला बैठा या तो इन्नी मुहब्बत नबी पाक नाल ना कर तो जान तो बाद मुड़ के रह ही ना सके जिंदा ही ना रह सके ऐ सोने महबूब जी एक मुकाम ऐसा है जिथे मैं बड़ा परेशान हुंदा मैं दुनिया से मुहब्बत करता पिया वा लेकिन जो दुनिया तो जाने तो बाद तुहाडी अपनी मौत याद करना तुसा दे जन्नतां दे अंदर अंबिया ने बड़े बड़े आला मुकामा होवे बड़ी शान ते अजमत और मैनू अगर जन्नत लभ नहीं गई मैं उस जन्नत का करना की है जिथे तुहाडा बड़ी परेशान कर दी है मैं करा तो की करा मेरे पास के ऊपर ने खामोशी इख्तियार की थी है आसमान वाले रब की रहमत पेश में आई आसमान वाले रब ने एक हबीब सवाल और जवाब के ऊपर अपना कुरान नाजिल फरमा दिया है सुनिए अल्लाह पाक का कुरान अल्लाह पाक ने की फरमाया आइए जरा सुनिए सहाबी और रसूल का जवाब की
साल उम्र हो गई है दस मिनट इस उम्र के अंदर नबी पाक की जियारत ही नहीं हुई अजे तक तेरा मेरा ईमान से मुहब्बत का म्यार किस मुकाम से जाके खड़ा है सैयदना अनस फरमांदे ने कोई रात ऐसी नहीं जो मुझे नबी पाक की जियारत ना हुई होगी लेकिन ख्वाब हाके ख्वाब के अंदर नबी पाक की जियारत हो सकती है आज ही हो सकती है लेकिन साड़िया पापा कैसिया पापा ने कार की थी अगर जी जी एक मसला पूछना जी पूछो की हो गया आज जरा आपने सुता सा तो ख्वाब आया है तो ख्वाब की तबीयत पूछनी है मैं जी पूछो की है अरे ख्वाब हो गया है मैं जो सुता वा तो मेरे पीछे ना सप लग रहे बिछू लग रहे मैं जो दौड़े जो दौड़े उस तो बाद मैं दसन लग रहा तो मेरी अख खुल गई है यदि तबीर की है मैं जो धीया का हाथ खाए खाप अंदर साफ ही पिछे लग दो दस नबी की जियारत हो जो बेनमाज पक्का होगा सोए अपने बिस्तर से खाप अंदर सप के बिछू नजर आते हैं नबी पाक की जियारत नहीं हो सकती हजरत जी अपनी जिंदगी अंदर वेख कि हाथ खाता है अगर हाथ ना खाते और हवाल का लुकमा अपने पेट अंदर पाके रात को सोना तेरा काम है जिन्हें हक लगेगी सोरे महबूब के इस्लाम इस्लाम के चेहरे की ज्यादा अल्लाह करवा देंगे सर के बाला तो लैके पैर पैर के नाक ना तक के बराबर साडे एक एक आम ते एक एक शराब के अंदर भरिया हो रहा है एक एक नूर के अंदर भरिया हो रहा है जिसम के हर बाल हराम कर गया है तो मैंने दस नबी पाक की ज्यादा तो एक आम के अंदर तेन शराब के नशे के अंदर धुप हो गए उन्हें तू सौ जाए नबी पाक की ज्यारत है तेन
सूद का पैसा तेरे घर अंदर आ रहा है, तेरे पेट अंदर जा रहा है। हराम से सूद का पैसा अपने पेट अंदर भरन के बाद तू गए नबी पाक की ज्यारत हो गए। अल्लाह की कसम है, नबी पाक की ज्यारत तेन नहीं हो सकती। नबी पाक के नाल अगर मोहब्बत का दावा करना है, इस मोहब्बत के मियाद से पूरा उतर नबी पाक की इताअत के अंदर एक एक लम्हा गुजार। और जेड़ा बंदा नबी की सुन्नत के मुताबिक एक एक मिनट एक एक सेकंड एक एक दिन गुजारता है, सर तो लेकर पैरों तक नजर आता है, आ रहा है कि नबी का ताबेदार से मुहिब आ रहा है। कोई चीज एक मुसलमान ने खालिस रह दी है, ऐ जानवर ने जानवर बेसुबान होते जानवर ने बेबुटा खालिस, लेकिन एक कहने दूसरे सुन्नत नबी के आशिक ने नबी ने मोहित ने इन्हू भी सही ना रह दिता, इन्हू भी दो नंबर बना के मार्केट के अंदर पेश किया। और जमीन जी है, जमीन ने अनाज उगाया, इस जमीन ने बड़े बड़े फल से बड़ी बड़ी चीजा दिखाई, लेकिन एक मुसलमान ने उन्होंने सही सूरत हाल के अंदर नहीं रह दिता। अच्छा उन्हें तो कियामत करके लोगों के सामने बैठ तैयार करके रख रहे हैं। एक एक चीज के अंदर मिलावट करके रात में दूर सोए गल करते छोड़ दे तो सोए के नबी पाक की ज्यारत हो जाए, इन्ना की किस्में नहीं हो सकती। फेसबुक से खबर लगिया ने इसराइल का जाना इन्होंने जान जितना माल आता है पाकिस्तान यदा बाईपास करो। एक स्टोर आया सारे बड़े साथी है तो मैं दावत दे छी, मैं यार इन घर महीना होर समान चला लै ना चला। उन्होंने कहा चलो हजू जिम्मे तुम्हें कहते हो भी कर लेंगे, आप इसराइल भी होती है आप कर ले, कोई मसला नहीं है। वो तैयार हो गया, एक लिस्ट फड़ी है, जो लिस्ट फड़ी है दुकान में तेरी खाली हो गए, सारा समान ही होगा। मैं क्योंकि साढ़े खालिश लगते नहीं है कुछ भी, एक यूदी हो के खालिश है लंबा फिक्र है, मैं उन्होंने हक अंदर बात नहीं कर रहा, मैं तेरे अपने ईमान को झिझोड़ रहा हाँ। अगर सारे चीज साढ़े मुल्क साढ़े देश साढ़े पाकिस्तान अंदर हो सू की जरूरत है, दूसरे मुल्क में हराम चीज इस्तेमाल क्या करते रहिए, उन्होंने यूदियों की चीजों का इस्तेमाल करिए। सिर्फ तो लेकर साबन और नहान के सारे चीजा खान पीन तक कोई चीज ऐसी इस्तेमाल वाली है ही जिसके अंदर मिलावट ना हो, हर चीज के अंदर मिलावट है। असा बाईपास किए करिए, इसी बात से मैं सोच रहा था हुक्मरान क्यों खमोश है, इसी बात से खमोश है कि उन्होंने मईशत के ऊपर इस तरह कड़ी कड़ी नजर रखी हुई है, मईशत ने इस तरह काबू किया है कि कोई हुक्मरान बोलने की जरूरत नहीं करता पाया इन्होंने अगे। अल्लाह जी सानू ख्वाब के अंदर नबी पाक का दीदार ते ज़ियारत नसीब फरमा, लेकिन तेरे नबी के नाल मोहब्बत बड़ी करने हैं, लेकिन माशरा इंजा माशरा जिसे असं रहते हैं सोचता है सोचता ने, लेकिन अल्लाह जी तुसा साडे आवाज वाल ना देखिया जी, अपनी रंगत वाल देख के मन सोनिया साडे ते अज ही रात को करम फरमा के अज ही नबी पाक की ज़ियारत नसीब फरमा। सफर कर लिए मक्के का सफर कर लिए मदीने का सफर कर लिए, और इस सफर के अंदर असाने जी अंदर लिए असानी पाप हजूर पाप की ज्ञान पाप की जा रहे हैं तोड़ पहुंचे नदी पाग का चेहरा देख लगे कि नदी पाग चेहरा मोड़ना है तो उधर अत खोल गए, बतलाओ इस तो वाला दुख की हो। क्योंकि एक हदीस है
हदीस नबी पाक सल्लम तशरीफ फरमाने दरवाजा चढ़ के सहाबी रसूल आया, पता चलिया किस तरह जो उस वक्त कैसे किस तरह वो सुपर ताकत थी उन्होंने हुक्मराना ने एक वफद दो दिन होगा तो मुस्तमल भेजा नबी पाक के नाल कि गुफ्तगु आप लोगों से गल करने वास्ते नबी पाक ने बताया गया सूरे मादून की ऐसा क्या किस तरह के सुपर पावर ताकत पहलवान वाले ने उन्होंने कोई वफद के कुछ लोग आए ने तो मिलना चाहते ने मेरे पैगंबर ने इस्लाम सलाम बाहर निकले ने जिस वक्त सामने वेखे उन्होंने कर्म नजर पाई है मेरे पैगंबर ने उन्हें कदमों से किया मोड़ने आए आपने फरमाया मेरे साहबा इन्हों को वापस चले जाओ इन्हों की सूरत इन्हों का चेहरा बिगड़िया होया इन्हों का चेहरा की कहूँ अगर तो काफर चेहरे से दाली काफर तो हो चेहरा चंगा नहीं लगता इन्होंने क्या चले जाओ मैं रब का नबी इन्हों का चेहरा देखना नहीं चाहता तो इन्होंने आपना भी दिखाना चाहता है लखी हुई है उतारी ताजा मंडवा के आए सर है काफर सर हालांकि काफर सर मंडवा सकते हैं लेकिन मेरे पैगंबर ने फरमाया मैं नहीं देखना चाहता इन्होंने शक्ल बिगड़ी हुई रब की तकलीफ के नाल ये लोग खेलते हैं रब की तकलीफ में चेते करते हैं नबी पाक सल्लम की सही सन्नत के नाल हदीस है आपने फरमाया अल्लाह की लानत है एक औरतों के ऊपर जड़िया दंदा के अंदर वक्फा करवादियां ने ऐ भरवटे बनवादियां ने ऐसे चूंजा बनवा बनवा के ऐसे भरवटे बनवा के इन्हें बनवा के तेरे के बाल उतार के फरमाया कि ऐ औरतां जड़िया गूंदन वालियां ने यानी अपने जिस्म के अंदर तेल बनवादियां ने मुसर वास्ते ऐ चेहरे अंदर तेल बनवादियां ने या ऐ हथों के ऊपर कोई फूल बूटे पक्के पक्के फूल बूटे अंदर जरा ना मसाला जान के केमिकल पा के बनाने वाली ने नबी पाक ने फरमाया अल्लाह पाक की लानत 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 ऐसा मर्द होए औरत होए जरा रब की तकलीफ में चैन करे दौलत तेरे को आ गई है सर्दी चार से अपना बढ़ापा प्या लिखोना है अपना बढ़ापा प्या लिखोनी है लानत ऐसी औरत ऐसे मर्द के ऊपर हाँ शरी उधर मौजूद है दंद लगाना है यह सोने का लगाना है यह शरी उधर है जिसको खाना नहीं जाता वह लवाया जा सकता है बल्कि नदी दिमाग ने सहाबी को इजाजत दी थी भी तू लवा सकता है सोने का दंद लेकिन इन दंदा अंदर वक्फा करना हुसन में एक हुसन को बढ़ाने वास्ते दंदा का जरा ना वक्फा कर देना ये अंदर वित्त पा देनी ताकि मेरे हुसन अंदर मजीद इजाफा हो जाए चेहरे के ऊपर ऐसी ऐसी चीजा लगा देनिया ऐसी चीजा प्रदीप कर देनिया जो बाल है इसको घट वट करके लंबे करके मसरूरी आपने फरमाया अल्लाह की वह भी लालत है जी और मसरूरी बाल लगा मसरूरी बाल लगा ताकि बाल जड़े ने मसरूरी लंदर और लंबे और मेरे हिस्से अंदर मजीद इजाफा हो आपने फरमाया लालत है ऐसी औरतों के ऊपर और एक होर मैं मसले की शानदारी कर लगा ਇਹ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਐਸੀ ਐਪ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਐਪ ਚਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਧੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸੂਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ मर्द है तो औरत बन जाएगी औरत है मर्द बन जाएगा दाढ़ी लगी है उस ऐप के बाद उतर जाएगी अगर नहीं लगी है दाढ़ी लग जाएगी मुच्छा लग जाएगी बदला है मजाक नहीं तो होती है अगर तेनू कोई बंदा मिसाल के तौर पर बंदर कहे गुस्सा लगेगा कि नहीं तेनू कोई कुत्ता कहे गुस्सा लगेगा नहीं लेकिन अपने हाथ के नाल अपने आप में बंदर भी बनाई जाना है कुत्ता भी बनाई जाना है रब की तकलीफ में बदलना जाए नहीं हराम है इस्लाम के अंदर शरीयत के अंदर हराम है खुदा ऐसी ऐपा ऐसी है कि बिल्कुल इस्तेमाल ना करो फिर यहूदों में सारा दिए सावे से नबी पाक ने फरमाया कुत्ते कयामत लोगों की शक्ल तब्दील कर देती है जान भी है बंदर के चेहरे पर जान गए इधर नमाज पढ़ के अपने घर में जान गए उन्हों के चेहरे बंदर के बने हो गए लेकिन कयामत फिर भी कयामत दिया निशानियां से दूर की गल असा खुद ऐप के अंदर अपने आप में बंदर बना रहे हैं
और दुआ करे कि हजूर सल्लम की गुफा के अंदर ज़ियारत हो जाए बोलो हो सकती वो काम लड़कियां वाले करे फिर अब बोलो नबी पाक की ज़ियारत का सवाल क्या कर ले अल्लाह जी ऐसिया ऐसा साड़िया उलादा मामा बहना बेटिया ने ऐना हाथ कंडे के ऐना बेहिया ये चीजा ने गुरु अल्लाह महफूज फरमा ले मेरे अल्लाह ने महफूज से कम कर इना वलंशिया जलाबे मोहम्मद जरा दरूदे पाक को जनाबे मोहम्मद जो हजूर के सामने बह के वेखा गए अपनी खास रहमत फरमा के मेरे मौला सानू हुजूर की ज़ियारत और दीदार का हकदार बना दे अल्लाह जी हुजूर के दीदार और ज़ियारत का हकदार बना दे देखिया करो जो मदीनातुल मुनव्वरा मदीनातुल मुनव्वरा मस्जिद नबी नबी पाक का मिंबर और मुसल्ला हुजूर जमात तो बाद सलाम फेरन तो बाद बैठे होंगे सहाबा इकराम इर्द गिर्द बह के हुजूर ते उस चंद की ज़ियारत का करते होंगे कैसा समा होगा कैसा समा होगा कभी तसव्वुर करया करो सारा दिन कोई एक दिन ऐसा गुजार दे अपनी जिंदगी अंदर कि आज ना अगर हजूर की जियारत हो जाए जो सिद्दीक ने की है यार हजूर दिया गल्ला करतिया कर दिया सारा दिन गुजार दे यार मक्का मदीना होए बैतुल्ला होए नबी का रोजा होए मैं उसे बैठा हुआ मेरी अचानक है वो आ जाए अख लग जाए उधर अख लग जाए कि नबी के रोजे से देखिया बैठिया हजूर की जियारत नहीं होगी ऐसा एक माहौल से ऐसा अपनी जिंदगी अंदर शेड्यूल बना ले मक्के ते मदीने क्या शान तेरा हुए मक्के ते मदीने क्या शान तेरा हुए जिते पर दरिया सोना सुनते दियो नी बली
खुद का खुद अजमाइश बन के मुसीबत आ जाए एक परेशानी मुसीबत को असा खुद मुल खरीदे खरीदे किसी को दुखी करके आप सुख पिया लभ लै तेरे प्यारे भाई सुख लग सकता मुहब्बत वंड प्यार वंड चाहता वंड मुहब्बत वंड गुस्से गिले सिकने सारे छड़ दे कितो खाना माना मिल गया कोई भी गल नहीं पैर सन्ना अगो चंगा मिल जाएगा चल कोई गल नहीं उन्होंने घर पक भी लगनी सी फिर भी हो गया ना उन्होंने गिले ते सिकने ना कर किसी के सामने बल्कि उल्टा दुआ कर दे मारे सोनिया अगर इन्हें एकदा बनाया इन्हें इन्ना माल दे कई गुना बढ़ के बना दे यानी दुआवा कर अपने दिल अंदर मन का मार अपने दिल में पाक कर अपने दिल को साफ कर इस दिल को पाक साफ कर तेरा काम है पाक साफ करके रात को चार कई के सोना तेरा काम है ख्वाब के अंदर हुजूर की जियारत करवा दे रहा है अर्श वाले रब रहमान दादा अल्लाह जी हुजूर का दीदार सानु ख्वाब के अंदर करा दो फरमाया अन्नबी औला बिलमुमिन मिनाल मुसीहिम मिनाल मुसीहिम अगर जान को बढ़ते मोहब्बत करते हो सिद्धि दुआ ने मेरे की सहारत करता रहे सिद्धि
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਰਹਿ ਮੇਰੀ ਦੂਰ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀਗਾ ਆਸਮਾਨ ਪਰ ਉਠਾਏ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਚੰਨ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਹੁਸਨ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਗਏ। ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੰਨਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਲਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜੰਨਤ ਜੰਨਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੀ ਹੋ। ਜੰਨਤ ਵੀ ਸਜੇਗੀ, ਜੰਨਤ ਵੀ ਫਤੇਗੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤੇਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪਾਗ ਆਪਾਪ ਦੇ ਜਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਆਖਿਰ ਇਹਦਾ ਵਾਲਾ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬੀ ਦਾ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो के अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।